जिनके साथ सदियों से ज्यादती हुई इस देश में और जिनके साथ भेदभाव और छुआछूत की भावनाएं रखी गई, उस परिस्थिति और कालखंड में निकलकर आए अंबेडकर, स्कूल के बाहर रहकर पढ़ाई किया और इस राष्ट्र निर्माण में अगर उनकी तमाम सारी पीएचडी की थेसिस और उनकी किताबों को पढ़ा जाए तो इस राष्ट्र निर्माण में जितनी भूमिका अंबेडकर की आज है उतनी मैं नहीं समझता कि किसी महापुरुष की और है। सबकी भूमिका है, मैं ये नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि घर बनाने में ईंट की भी जरूरत होती है, सीमेंट की भी, पानी की भी, गिट्टी भी, की बालू, छड़, सीमेंट सब की। लेकिन बनाने वाला जो कारीगर होता है उसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस भारत जो देश टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था और आने वाले हजारों साल तक ये देश न बटे, उसके निर्माणकर्ता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और आज ये समय काल परिस्थिति की ये जरूरत है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम एक सच्ची श्रद्धांजलि भारत के करेंसी नोटों पर उनकी तस्वीर को लगा कर दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जिस तरीके से अम्बेडकर ही नहीं, आप अमेरिका में भी चले जाएं, चाहे लंदन चले जाएं, चाहे फिनलैंड चले जाएं, चाहे स्वीडन चले जाएं, दुनिया के वो तमाम सारे देश अपने यहाँ के नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माणकर्ता की तस्वीरें अपने करेंसी नोट पर लगाकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। तो ये भारत देश क्यों पीछे रहेगा? आज इस राष्ट्र निर्माण में जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा, जिस महापुरुष की सबसे ज़्यादा योगदान है, तो उसको श्रद्धांजलि देने से ये भारत पीछे क्यों रहेगा? तो नया संसद भवन बन रहा है, उसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संसद भवन किया जाए, एक ये हमारी डिमांड है। और दूसरी हमारी डिमांड है कि देश के जो करेंसी नोट है उस पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का तस्वीर प्रिंट की जाए, क्योंकि आरबीआई की जो कल्पना है, जो कंसेप्चुलाइजेशन है कि एक देश में 1920 में उन्होंने ये पेपर प्रेजेंट किया था कि भारत को एक अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, तब लोग सोच भी नहीं रहे थे, तब कितने आगे थे अंबेडकर, इस बात से पता चलता है। तो एक किसी भी महापुरुष को अगर वो आपकी थाती है, वो व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म में जन्मा हो, अगर वो टैलेंटेड है, अगर वो मेधावी है, तो उसको सम्मान देना उस देश की जनता का कर्तव्य है। वो चाहे किसी भी जाति धर्म की जनता हो, महापुरुष किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं। और अम्बेडकर इस देश के थे, वो हमारे थे, वो आपके थे, वो हर उस व्यक्ति के थे जो कमजोर था, जो गरीब था, और जिसके साथ आज भी जोर जुल्म होता रहता है, कहीं जाति के नाम पे, तो कहीं महिला पुरुष के नाम पे, तो कहीं धर्म के नाम पे, तो हर उस व्यक्ति के महापुरुष हैं अम्बेडकर। तो सर आज आपने किसको ज्ञापन दिया सर? आज हम लोगों ने पार्लियामेंट में ज्ञापन दिया और आरबीआई में हमने ज्ञापन दिया और तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से हमने सरकार से ये डिमांड रखी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तस्वीर भारतीय नोट पर लगाया जाए और साथ ही साथ भारत की जो नई संसद भवन बन रही है उसकी भी जो नामकरण होगा, और ख़ास करके भारत के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे हमारी ये दरख्वास्त है कि जब भारत देश अमृत काल से गुजर रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उस कालखंड में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक सच्ची श्रद्धांजलि नोटों पर उनकी तस्वीर और पार्लियामेंट का नाम उनके नाम पर रख कर दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ियों को ये याद रहे और स्वाभिमान के साथ उनको जीने का। सरकार तो सर ये भी कह रही कि नोटों पे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। सरकारें नहीं कह रही हैं। एक व्यक्ति का अपना विचार हो सकता है, मैं उससे गुरेज नहीं कर सकता, लेकिन भारत की एक अपनी पूजा पद्धति है, हर किसी की एक अपनी पूजा पद्धति है। तो किसी एक देवी देवता का लगाएंगे तो कल कोई कहेगा कि भाई, क्योंकि महापुरुष किसी जाति धर्म के नहीं होते, तो इसलिए अम्बेडकर की तस्वीर जरूरी है बजाय किसी देवी देवता की। बाबा साहब की और शहीद भगत सिंह की फोटो लेकर केजरीवाल जी सरकार बना रहे हैं, और जो दलित समाज है, बहुदलित समाज है, वो सो रहा है। अभी तक जो अत्याचार हो रहे हैं बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, उसकी रोकथाम नहीं हो रही है। देखिए, केजरीवाल जी जिस आंदोलन से निकलकर आए वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है, और उन्होंने अभी गुजरात में क्या किया ये भी आप सबके सामने
विदित है। तो हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता सब जानती है, एक कहावत भी है। तो ये हम लोग को आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन फोटो सिर्फ लेकर घूम रहा है और कौन अंबेडकर साहब और भगत सिंह के विचारों को लेकर घूम रहा है। फोटो लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, अंग्रेज लोग भी फोटो छापते थे भगत सिंह का कि इसको खोजो, लेकिन वही हम अंग्रेज लोग शहीद भगत सिंह को आतंकवादी का दर्जा दिए थे और उसकी लड़ाई लड़ी गई, तब जाके कहीं आतंकवादी सब शहीद भगत सिंह के नाम से हटा। तो जो कोई भी हो, इसमें हमें विजिलेंट होने की, चौकन्ने रहने की जरूरत है कि हर कोई फोटो लेके आ जाता है। आज एक प्रचलन हो गया है देश में कि कोई भी महापुरुष हो उसकी फोटो लेके हम धरने में बैठ जाएं और क्लेम करने लगते हैं कि हम, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि व्यक्ति जिस महापुरुष की तस्वीर लेके घूम रहा है वो उसके विचारों को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा बकील साहब, क्या लगता है आज के आंदोलन से आपकी बातों को माना जाएगा या आपकी बातों में और होगा? देखिए, कोई भी लड़ाई लंबी होती है, एक दिन से वो लड़ाई का इंजाम नहीं होता है और इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। 20 तारीख को हम लोगों ने ओबीसी इंटेलेक्चुअल मीट भी किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, उससे पहले भी हमने यहाँ पे धरना देने का काम किया था और आज है और आगे भी हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर का फोटो भारत के करेंसी नोटों पर न लग जाए और संसद का जो नाम है डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर के नाम पर न रखा जाए। थैंक यू।